ये खंडेराव को तुम्हारी कौन सी बातें, आदतें, हरकतें पसंद नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे ये सारे गुण मैं तुम्हें गिनाऊं? अब तुम ही बताओ, तुम्हारे इतने सारे अच्छे लक्षणों के बाद क्या खंडेराव को लगेगा कि तुम्हारे साथ रहने में उसकी भलाई होगी? कुछ बुरा या कुछ गलत नहीं होगा उसके साथ? पर सासु भाई, मैं तो छोटे से बताजी से माफी मांग चुकी हूँ और अभी भी मैं उनसे माफी मांगकर दोस्ती करने के लिए आई थी। अहिल्या, बार बार गलती कर माफी मांगने के बजाय गलती ना करने की कोशिश क्यों नहीं करती तुम? अगर तुम मेरे और खंडेराव के समझाने के बाद पढ़ने लिखने की जिद छोड़ देती तो आज ये दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। एक औरत की जिद पति के हित में हो तभी शोभा देती है। जिस दिन तुम खंडेराव के सुख, उसकी उन्नति, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में जिद करोगी, तब मुझे तुम पर विश्वास होगा कि तुम सच में अपने किए की माफी मांगकर अपने पति के साथ सुलह करना चाहती हो। निजाम का खुफिया विभाग बहुत शक्तिशाली है और हम सभी जानते हैं कि उसके जासूसों का जाल दूर दूर तक फैला हुआ है। जैसे निजाम के गुप्तचरों ने हमारे मालवा में घुसपैठ की, हमें भी वही करना होगा, क्योंकि गद्दारों की कमी कहीं नहीं होती। रामराव को हमारी सेना से ऐसे कौन से और कितने सिपाही दिए जाएं जो मालवा के गुप्तचर बनकर निजाम के खेमे में सेंध लगा सके? ये जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। जी सरकार। ये काम जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। खंडेराव, जब तुम यहाँ सबके साथ बैठे हो तुम्हें भी बातचीत में हिस्सा लेना चाहिए ना। कम से कम सुन ही लेते कि क्या बात हो रही है। हम क्या करें सुनकर दादा, जो भी करना है बाबा साहब कर लेंगे, और वैसे भी उन्हें कोई जरूरत नहीं हमारी सलाह की। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे छोड़िए ना दादा, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। हम तो यहाँ आपके लिए आए थे, कब से हम वही देख रहे थे कि कब आपको फुर्सत मिले और हम आपसे बात करें। पर आजकल तो आप बहुत काम करने लगे हो, आपके पास तो समय ही नहीं हमारे लिए। मालवा के शासक पहले हैं और अपने बेटे के पिता बाद में। पर अब हम इस बात को बदलना चाहते हैं। नहीं, मालवा को अपने से दूर रखकर नहीं, बल्कि अपने आप को अपने बेटे के करीब रखकर। हमें खंडेराव के जीवन में झांकने की, उसका हिस्सा बनने की जरूरत है। एक शासक के साथ साथ उसी जिम्मेदारी से पिता का कर्तव्य पूरा करना होगा हमें। कल की परीक्षा खंडेराव की शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो हमें देखने का मन किया कि खंडेराव इस चुनौती को कैसा पूरा करते हैं, तो बस पूछ लिया गुरुजी से। सच में हैरान हूं, लेकिन बहुत खुशी हो रही है आपका ये निर्णय सुनकर।
मैं हमेशा से चाहती थी कि आप अपना कुछ समय अपने बेटे के साथ बिताएं, लेकिन आपके लिए तो अपनी प्रजा की खुशी सबसे ज्यादा कीमती है। उनकी चिंता में ही आपका सारा समय व्यतीत होता है। नहीं गौतमा, ऐसा नहीं है कि हम अपने बेटे को समय देने की कोशिश नहीं करते, पर कई बार उसकी नादानी से, बचपने से, लापरवाही से वो कुछ ऐसा कर बैठता कि हम निराश हो जाते, और निराशा की इन घटनाओं के बीच न जाने कब हमें ऐसा लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दिया खंडेराव को उसके हाथ पर, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे गौतमा। और हमें इस भूल का एहसास भी नहीं होता अगर हम किसी और को, किसी अपने प्रियजन के सामने झुकते ना देखते। वो कोशिश, वो निरंतर प्रयास, जब कोई किसी और को मनाने की, ध्यान आकर्षित करने की परीक्षा दे रहा है और बदले में उसे मिल रही है केवल उपेक्षा, उसके बाद भी कोशिश करता वो इंसान ना तो थका है ना ही हारा है। अब हम समझ सकते हैं कैसा लगता होगा खंडेराव को जब उसने हम तक पहुंचना चाहा होगा पर हमने ध्यान नहीं दिया। किसकी कोशिश देखकर आपको अपनी भूल का पता चला? किसने आपको इतना बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर किया? आप मुझे नहीं बताएंगे? कैसी बात कर रही हैं आप गौतम? आपको आपको भी पता चल जाएगा किसी दिन कि कौन है वो। जो भी हो, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा सुख होगा, एक पिता को अपने बेटे के साथ समय व्यतीत करते हुए देखना। आप भी देख लेना, कल की परीक्षा में खंडेराव इस तरह से सफलता पाएगा कि आपको गर्व होगा अपनी संतान पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.